आग तो कंट्रोल है जी, पर ये टैंक थोड़े ऊंचे हैं, वहाँ तक फोम प्रॉपर पहुँचता नहीं है। जब तक फोम नहीं पहुँचेगा तब तक वो आग नहीं बुझेगी, उसकी लेयर ऊपर तक जाती नहीं है। इस दौरान में एक जो है ना हादसा, मतलब एक जो है कैजुअलिटी भी मिली है, एक डेड बॉडी मिली है यहाँ से ना। एक सुबह हमारे को पता नहीं था भाई आदमी अंदर कोई फंसा है, इन्होंने बताया नहीं हमारे को, सुबह पता नहीं था हमारे को जल्दी जल्दी, क्योंकि आग बुझाने में लगे थे हम सारे। तो एक डेड बॉडी मिली है अभी, लगभग 40 साल का आदमी था वो, नीरज कुमार नाम था उसका, यूपी के रहने वाला था। किस कंडीशन में मिली है डेड बॉडी? जली हुई, बिल्कुल जली हुई मिली है जी। इन्हीं टैंकों के पास से मिली है? टैंकों के पास से ही। अभी आग बुझाने में क्या लगता है सर, कितना? अभी टाइम लगेगा थोड़ा ही, क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा था ना इसमें, 3-3 लाख लीटर, 3 लाख 1 में था, 1 लाख 1 में था लगभग ना, इन जिन टैंकों में आग जल रही है अभी। तो दो, मतलब लगभग 4 टैंकों में आग थी। सुबह जो है 2 ही टैंक डिटेक्ट हो रहे थे, अब जो है 2 के ढक्कन जो है मिले हैं साइड में, 2-4 टैंकों में आग थी सुबह, मतलब 2 में अभी जल रही है, 2 में बुझ गई। तो सर डेड बॉडी यहीं पड़ी है अभी या भेज दिया गया? डेड बॉडी तो अभी जो है इनको बता दिया है, अभी डेड बॉडी है अंदर ही पड़ी है। अब इंसिडेंट हुआ जी, ये तो जांच का विषय है जी, बाद में पता चलेगा जी कैस क्या लेने के लिए गया था वो, क्या काम करता था वो, मतलब यहीं टैंकों में बता रहे थे भाई वो माप, कोई उसका पैमाइश वगैरह लेने के लिए चढ़ा था वो टैंकों के ऊपर। सुबह सर फैक्ट्री की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई कि अंदर कोई व्यक्ति था? नहीं, सुबह ऐसा लग नहीं रहा था जी, हम आग बुझाने में मतलब इतना व्यस्त थे ना जी, पता नहीं चला हमारे को सुबह। फैक्ट्री प्रशासन ने कुछ नहीं बताया? पर फैक्ट्री के प्रशासन ने जो है ना जी हमारे को गिनती में, उनको भी पूरा प्रॉपर पता नहीं था, क्योंकि 3 या 4 लोग रहते हैं यहाँ पे, वो जो है उनको मिले नहीं होंगे उस टाइम। बाकी हैं वो बता रहे हैं, अभी एक ही आदमी था उसकी, जिसकी डेड बॉडी मिली है। अभी और भी जो है सर्च करेंगे हम, आग बुझ जाएगी पूरी, पता चलेगा जी टोटल। तो जब आग कंट्रोल पूरी तरह से बुझ जाएगी तब सर्च किया जाएगा। सर ये हमारे फैक्ट्री में मक्के से हम एथेनॉल बनाते हैं, और ये HPCL BPCL को ये सप्लाई जाता है, और ये फैक्ट्री में जो हमारा एथेनॉल जिस स्टोरेज टैंक में रखते हैं वो स्टोरेज टैंक करीब 9:10 के नियर अबाउट के करीब में उसमें से आवाज़ आया, एक बार आया, 2-3 आवाज़ आई। उसके बाद हमने बाहर निकल के उसको देखे तो पता चला कि उसमें से आग निकल रहा है। फिर हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की पूरी टीम आई और वहाँ पे उसको उन्होंने कंट्रोल किया उस चीज़ को। सर लीकर का भी प्लांट बीच में ही है यहाँ? नहीं भी, वो अलग साइड है हमारा, वो दूसरा प्लांट है, उस प्लांट से इसको कोई लेना देना नहीं है। वो अलग ही है, अलग अलग प्रमेसेस, ये प्रमेसेस अलग है, वो प्रमेसेस अलग। सर कोई कैजुअलिटी भी नहीं है? एक बंदे को अभी फायर ब्रिगेड की टीम के थ्रू पता लगा कि एक बंदे की हुई है। सर उसकी पहचान हो गई है, कौन था वो? पहचान करना है, लगे हुए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड का कहना है कि कंपनी ने उसकी सूचना नहीं दी गई कि बंदा अंदर था पहले से? नहीं, हमें भी पता नहीं था कि 9 बंदे जाते हैं, और 9 बस आई, सारे बंदे अटेंडेंस यहाँ लगा के फिर जाते हैं। और उसके बाद जब वहाँ पे आग लग गई तो हमने देखा वहाँ पे, क्योंकि नज़दीक तो जा नहीं सकते थे, आग तेज पकड़ लिया था। उसके बाद टीम मंगाया गया तो उन्होंने बुझाने के काम किया, तो बाद में पता चला नीचे एक बंदा गिरा हुआ था। तो सर अभी कंट्रोल है आग या? आग तो कंट्रोल हो चुकी है, नॉर्मल है, थोड़ा सा उसको धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा कंट्रोल होने। सर कितना एथेनॉल था इन टैंक्स में? कुछ करीब 2.5-3 लाख के नियर अबाउट के करीब में होगा। सुबह में करीब 9:15 सूचना मिली थी कि ओसिस फैक्ट्री में जो एथेनॉल की अलग से पार्ट है उसमें आग लग गई है। तो हम मौका पे आए थे, तो मौका पे आके देखा तो यहाँ काफ़ी 2-3 टैंकों के अंदर आग लगी हुई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया यहाँ पे, और सुबह से लेके अभी तक फायर ब्रिगेड मौका पे हैं और लगातार पानी डाल रही है यहाँ पे। आग में कुछ कंट्रोल तो हुआ है लेकिन प्रॉपर बंद नहीं हुई है, और अभी पता लगा है कि टैंक के पास से एक बॉडी है जो
जड़ी हुई है, अभी उसका वेरीफाई नहीं हुआ है किसकी है किसकी नहीं है, अभी उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो सर सुबह जानकारी नहीं मिली थी कि कोई अंदर व्यक्ति फंसा हुआ है कुछ ऐसी? नहीं, उस टाइम तक कुछ पता नहीं लगा था भाई क्या कोई व्यक्ति अंदर था या नहीं था। अब जब जो आग की हीट है थोड़ी कम हुई है तो नजदीक गए तब पता लग गया। सर क्या लिक्विड था टैंकों में कुछ पता चल रहा है? ये जो फैक्ट्री वालों ने बताया तो एथानॉल जो ये होता है, मतलब वो केमिकल था इसके अंदर जो फैक्ट्री से बनता, करीब 3,20,000 डेली बनता है ये और डेली की डेली चला जाता है ये, तो वो था इसके अंदर। तो अभी जांच में कुछ सामने आया कारण क्या रहा आग लगने का? कारण का अभी कुछ पता नहीं लगा है, तो सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौका बुला रखी है, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा।